हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 11 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूँगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चंस रहेगा गाइस, कनक कुदर केदार बीज सुंदर सुरमणिबर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, वी है अनुप्रास, सी है यमक, डी है श्लेष। बताइए क्या आंसर होगा। कनक कुदर केदार बीज सुंदर सुरमणिबर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? तो इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की योजना हुई है। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 52 क्वेश्चन है गाइस, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कवि प्रिया जो है ना, ये केशवदास की रचना है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। तो देखिए इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए डॉक्टर जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है ना सभी मरीजों को देखता है, कोई भी जाति का हो तो सभी मरीजों को देखता है, इसलिए यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमल, राग विराग, पल्लव। कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है, ये आपको बताना है। पल्लव जो है ना, ये सूर्यकांत त्रिपाठी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित या क्रोधी, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध जो है ना, ये शब्द संज्ञा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण जो है ना, प्राण, ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? अतिशयोक्ति, यमक, रूपक, उपमा। तो इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? उपमा अलंकार की। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। शा, 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 जीभ जो है आपकी ऊपर वाले हिस्से में टकरा रही है, ऊपर के तालु में। तो जीभ जो आपके ऊपर तालु में टकरा रही है, तो शा जो है ना, ये आपका हो जाएगा तालु से। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे। देखिए तालु की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका जैसे कि छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई, इसके बाद चा हुआ, या
और सा। ये जो वर्ण है ना, ये वर्ण देख रहे हैं आप लोग, ये उच्चारण ये देख रहे हैं, ये सभी तालु से बोले जाने वाले हैं, छोटी ई बड़ी ई चा या और शा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, सा शा सा या रा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं है, रा से रथ जो है ना ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। अगर मैं ऊष्म व्यंजन की बात करूं तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि शा हुआ और शा षटकोण हुआ, सा से सरोता हुआ और हा से हल हुआ, ये सभी व्यंजन जो है ना ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो रा जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस वाक में वचन का सही प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है, किस शब्द में सही वचन का प्रयोग हुआ है। मेरे होश उड़ गए, इसमें सही वचन का प्रयोग हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो महीप का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महीप मही धन इप, यानी डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गगन चुंबी किस प्रकार का समास है, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। गगन चुंबी, अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग एग्जाम देने से पहले। गगन अलग है, देखिए गगन अलग है और चुंबी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बन गया, गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, जहाँ दो शब्द अलग अलग दिए हों और दोनों शब्दों का एक ही प्रयोग, यानी दोनों शब्दों का एक में जुड़ाव हो जाए, यानी जुड़ जाए आपस में और उनको बोला जाए, जैसे कि गगन चुंबी, दोनों को गगन अलग है और चुंबी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो एक शब्द बन गया गगन चुंबी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कभी कभी दिखना, बहुत प्यारा, कपटी मित्र, संतोष करना। ईद का चांद होना, जैसे कि आपका फ्रेंड है आपका या आपका दोस्त है जो कभी दिखता नहीं है, साल दो साल पाँच साल दस साल में एक बार दिखता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि आपको कभी कभी दिखते हैं, यानी कभी कभी दिखना, यानी ईद का चांद होना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों के पास एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 दिन शेष हैं। ठीक है, तो 10 से 11 दिन में कैसे तैयारी करनी है आप लोगों को, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन करा लिया आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, इहलोक का विपरीत अर्थक शब्द निम्न में से क्या है, स्वर्गलोक, परलोक, इंद्रलोक या भौतिक। इहलोक यानी विपरीत अर्थक शब्द पूछा जा रहा है, यानी कि विलोम शब्द और विपरीत अर्थक शब्द दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इहलोक का विपरीत अर्थक शब्द होता है परलोक, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए ऊंचाई अगर आप लिखते तो ऊंचाई ऐसे लिखा जाता है, तो ऊंचाई की जो वर्तनी है ये शुद्ध हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है, तत्सम, तद्भव, देशज, यौगिक। उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द का भेद नहीं है, यह आपको बताना है, तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यौगिक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कन्नौजी जो है ना ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है, तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन से प्रकार का छंद है, बताइए क्या आंसर होगा इसमें, कौन सा छंद होगा। तो इसमें छंद हो जाएगा दोहा छंद। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक अर्ध
सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा समचरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, इसीलिए ये दोहा छंद हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन उपरोक्त पंक्तियों में कौन से छंद का प्रकार है? दोहा, सोरठा, रोला, बैरवे। ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर लीजिए इसे। इसमें कौन सा छंद होगा ये आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा सोरठा छंद, यानी वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन हमारा, एक म्यान में दो तलवार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक स्थान पर दो व्यक्ति, वी है एक स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, सी है कम स्थान में ज़्यादा व्यक्ति, डी है कम पैसों में घर चलाना। एक म्यान में दो तलवार, इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। एक स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी, लक्ष्मीकांत वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, धर्मवीर भारती। तमस ये किसकी रचना है? तो तमस जो है ना ये भीष्म साहनी की रचना है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, महादेवी वर्मा। तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, कुरु कुरु स्वा के रचयिता कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, विष्णु प्रभाकर। कुरु कुरु स्वा के रचयिता कौन है ये आपको बताना है, तो इसके रचयिता है मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका रंग रास रंग रचित में उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बैरवे के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। रहीमन मोही ना सुहाय अमिय प्यावत मान विनु वरन विष दे बुलाए मान सहित मरीबो भला उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद के अंतर्गत आता है? दोहा, सोरठा, चौपाई या मालिनी, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोरठा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है यह आपको बताना है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीफ की दावत किसकी करते, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार। चीफ की दावत किसकी करती है? तो चीफ की दावत जो है ना ये भीष्म साहनी की करती है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन हमारा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, विधेय या प्रविशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उसे कहा जाता है विशेष, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर दर्द होना, माथा घायल होना, सोचना, संदेह होना। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो माथा ठनकना, तो माथा ठनकना का मुहावरा होता है संदेह होना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको क्या कहते हैं? अंतेवासी, अंतःपुर या ब्रजवटुक, ब्रह्मचारी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको क्या कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी इसको कहा जाता है अंतेवासी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन देखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? अभावग्रस्त, अरकिंचन, दीनहीन, महादीन। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अरकिंचन, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ।
जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम कहते हैं सर्वज्ञ, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 83 क्वेश्चन हमारा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अगोचर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन है गाइस, जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? वर्तमान, अतीत, भविष्य, जीर्ण। जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो बीत चुका हो उसको हम कहते हैं अतीत। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए पर्यायवाची शब्द की जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ी सी। अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंश, अंग, सखियां या संख्या? अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंक का पर्यायवाची शब्द होता है संख्या। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द होता है आदि। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कानन, देवदारु, अकेला, हरियाली। अरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अरण का पर्यायवाची शब्द होता है कानन। ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 88वां क्वेश्चन हमारा, असुर का समानार्थी है पापी, भूत, राक्षस, उद्दंड। असुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। असुर का समानार्थी शब्द होता है गाइस राक्षस। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सहकार, स्प्रहा, प्रमाद, प्रमोद। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है प्रमोद। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा, यानी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द? तो इसका अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निष्ठिका, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होगा? यानी संस्कृत भाषा से शब्द निकले वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अंगूठी का तत्सम शब्द क्या होता है? अंगूठी का तत्सम शब्द होता है अंगुष्ठिका। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का सही अर्थ क्या होता है? गगरी में छेद होना, व्यर्थ कार्य करना, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, दूर से पानी लाना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा क्या होगा या कहावत क्या होगा? मुहावरा, कहावत, लोकतृति एक ही शब्द होते हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मुहावरा होता है अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, यानी सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सुगज नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? कल्पित, आदर्श, परोक्ष, पदार्थ। यथार्थ का विपरीत अर्थ शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यथार्थ का विपरीत अर्थक शब्द होता है पदार्थ, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है? हिमांशु, अश्रु, नम्राज, दिव्यांशु। निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। दिव्यांशु जो है ना गाइस ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 95 से 97, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करना है। झूठा गवाही मत देना, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? झूठा तो होगा ना, कि झूठा, झूठी गवाही मत देना, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? झूठी गवाही मत देना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बचपन से हमने हिंदी बोला है, बचपन से हमने हिंदी बोली है, तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, उसने नौकरी छोड़ दी। तो उसने नौकरी छोड़ दी, ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संग्राम तथा करबला किसकी नाट्यकृति है?
प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। संग्राम तथा करबला किसकी नाटक करती है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निहार किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो निहार जो है ना महादेवी की ये काव्य संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोपाल में कौन सा समास है? गोपाल किसको कहा जाता है? गोपाल भगवान कृष्ण को कहा जाता है। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो गोपाल किनको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को कहा जाता है, तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने PTET 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।